कांडू साख्य वृत्तांडिक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण तेईसवें कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हो गया है, जिसमें कहा था यदि तन्न पश्य जो तत्मय तत्र न वही पश्यति। पूर्वादि का कहना है, अनुवाद है, इसमें उस काल में नहीं देखता, सुशुद्धि काल में देखता नहीं है, चैतन्य भाषता नहीं, उस काल में चैतन्य आगंतुक है, नित्य नहीं है, के पूर्वादि काल का है, जैसे काम कर्मादि आगंतुक है, या जागृत स्वप्न में कभी आते हैं जाते हैं, इसी प्रकार चैतन्य भी जागृत स्वप्न में आता है, सुशुद्धि लोप हो जाता है, आगंतुक है। ये पूर्वादि ने कहा, कहते नहीं पश्चिम भाई तब पश्चिमी, उस काल में देखता हुआ ही नहीं देखता, विशेष विज्ञान का अभाव है, वस्तु के अभाव होने के कारण वहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, जागृत स्वप्न में जो वस्तु भासते हैं उस वस्तु का अभाव है, सुषुप्ति काल में विशेष विज्ञान का अभाव है, पर पश्चिम भाई देखता है, वहाँ स्वरूप का ज्ञान है, वहाँ स्वरूप का ज्ञान न हो तो सुषुप्ति से जागृत में आने पर सुखम अहम अश्वापसम नहीं बोलना चाहिए, मैं आराम से सोया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है वहाँ चैतन्य है, विशेष विज्ञान का अभाव है, घटपटादि विशेष विज्ञान नहीं होता, शरीर का ज्ञान नहीं होता, किंतु स्वरूप ज्ञान है, ठीक है नहीं क्यों उत्तर दिया पश्चिम में पश्यति, पश्चिम और न पश्यति तो देखता हुआ नहीं देखता है, प्रतिज्ञा है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या किया नहीं द्रष्टुर दृष्टि विप्रलों को दे, दृष्टा की जो दृष्टि है, दृष्टारूप जो दृष्टि है, साक्षी, उस दृष्टि का लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, क्यों अविनाशी, द्वार अविनाशी है, न तो तद द्वितीय वस्तु, उस काल में दूसरा क्यों नहीं देखता फिर, अविनाशी दृष्टि है तो सुश्रुत है क्यों नहीं देखता, तो अविनाशी दृष्टि है तो क्यों नहीं देखता, न तो तद द्वितीय वस्तु, उस काल में द्वितीय वस्तु नहीं है, दूसरा वस्तु का अभाव है, तत्व अन्य उस आत्मा से अन्य वस्तु कोई हो, यदि विभक्तम कर तो अपने से भिन्न को देखना होता है, भिन्न ही नहीं उस काल में, ये उत्तर दिया गया है, मंत्र तो हो गया था, इसके बाद से टीका चलना है, ये शंकोत्तरोत्तर मंत्र आता है, जिसे शंकर उठाई थी, स्वयं ज्योतिष क्या है, चैतन्य आत्मस्वभाव था, आत्मा का चैतन्य स्वभाव ही स्वयं ज्योति है, ये पूर्वादि शंका उठाई थी कि यदि ही अग्नि उष्णत्वाद में चैतन्य आत्मस्वभाव, यदि जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि का स्वभाव है, स्वरूप है, अग्नि में जो उष्णता होती है अग्नि का स्वरूप है, कभी भी अग्नि उष्ण छोड़ नहीं सकती, ठीक इसी प्रकार यदि चैतन्य स्वभाव इसका है तो सुसुप्त में चैतन्य क्यों त्याग देता है, वह चैतन्य वास्ता है, अपने जड़ रूप में पाता है चैतन्य पता ही नहीं, क्यों नहीं पाता, क्यों नहीं जाता चैतन्य को उस काल में, क्यों जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो अग्नि में कभी भी उष्णता का अभाव होता नहीं, इसी प्रकार यदि आत्मा का स्वभाव चैतन्य स्वभाव है तो सुषुप्ति में चैतन्य क्यों नहीं वास्ता, क्यों नहीं त्याग जाता, क्यों त्यागता है इसको, यदि नहीं त्यागता है तो फिर ज्ञान क्यों नहीं होता इसको, ये शंका पूर्वाद यह है, और दूसरी बात ये भी विप्रतिहित में तो कहा था, ये विरोधी बात है, क्या विरोधी है, आत्मा का स्वभाव चैतन्य स्वभाव है और न जानना तो बोलो ये विरोध है, चैतन्य स्वभाव तो जानना चाहिए, जैसे अग्नि की उष्णता जलाने का स्वभाव है जलाएगी, इस प्रकार के चैतन्य स्वभाव है तो जानना चाहिए, क्यों नहीं जानता, ये पूर्वादि का ये विरोधी बात है, ये चैतन्य स्वभाव मानना और न जाना दी कहना जानता नहीं बोलना, सिद्धांत करना न विपरीत सिद्धम सिद्धांत का विरोध नहीं है यहाँ, क्यों वयम अभी एक तो ये दोनों ही घट जाता है उस आत्मा में, मतलब विशेष विज्ञान का अभाव स्वरूप ज्ञान का अस्तित्व दोनों है, सुषुप्ति अवस्था स्वरूप ज्ञान है, अपना स्वरूप ज्ञान है, विशेष विज्ञान का अभाव क्यों दूसरा वस्तु नहीं हुआ उस काल जागृत स्वप्न में जो वस्तु होते हैं वो वस्तु नहीं है, इसलिए विशेष विज्ञान का अभाव एक आना है, इस शंका के उत्तर रूप से है, इस कंडिका कहते हैं कथम करके प्रश्न आया तो उत्तर देते आए यद वही सुषुप्ते तन्न पश्यति, जो सुषुप्ति अवस्था में वो अपना ज्ञान नहीं होता आत्मा को नहीं देखता है, ये पूर्वादि की शंका है, यद वही तन्न पश्यति
संपर्क उत्तर दे रहा है। उस काल में नहीं देखता, आत्मा यदि चेतन हो तो वहाँ भी दर्शन होना चाहिए, चैतन्य का ज्ञान होना चाहिए, चैतन्य का दर्शन होना चाहिए। चैतन्य का दर्शन नहीं होता इसलिए देखता नहीं आत्मा, जड़ है आत्मा, ये पूर्वाजी का कहना है। सिद्धांत कहते हैं नहीं पश्चिम वही तत्पर तत्र पश्चिम वही तन्न पश्चिम तत्सत तत्र सुसुप्त सुसुप्त अवस्था में जानता हुआ ही नहीं जानता है। पश्चिम वही देखता हुआ ही न पश्यति नहीं देखता है, तब मन तत्र उस काल में देखता हुआ नहीं देखता, देख रहा अपना स्वरूप को देख रहा है, जान रहा है, अन्य का नहीं जानता। क्यों न तो तद्वितीय वस्तु दूसरा वस्तु नहीं वहां यत जो तत्र सुषुप्ते सुषुप्ति अवस्था में न पश्यति जान, इसे जो तुम ये मानते हो पूर्वादि से सिद्धांत बोल रहे हो, जो तुम ऐसा मानते हो जानते हो सुषुप्ति अवस्था में नहीं देखता है कहते हो, न पश्यति बोलते हो, तन्न तथा गृहिया उसको उस प्रकार नहीं ग्रहण करना चाहिए। नहीं जानता है बात नहीं जानता है, सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानता अपने को, अरे चैतन्य स्वभाव आत्मा है तो वहाँ भी जानना चाहिए, वहाँ नहीं जानता इस मत चैतन्य नहीं आत्मा, चैतन्य स्वरूप नहीं है, ये पूर्वादि का कहना था। सिद्धांत कह रहे तत्र जो तत्र सुषुप्ति अवस्था में न पश्यति ज्ञानी से नहीं जानता अपने को जो मानते हो, तन्न तथा गृहिया ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। अस्मात् पूर्वादि कैसे तो कहा पश्चिमय भवती तत्र सुषुप्ति में देखता हुआ होता आत्मा, जानता हुआ होता है, अज्ञान नहीं होता, अपना स्वरूप का ज्ञान होता है उसको, स्वरूप का ज्ञान है तत्र एक बात। टीका से थोड़ी सी टीका होगी, यद्वै तत् इत्यादि वाक्यम चोदितार्थ अनुवाद यद्वै तन्न पश्यति वाक्य जो है ना प्रश्न किया था पूर्वादि ने, उसका अनुवाद के लिए है वाक्य। पूर्वादि ने क्या प्रश्न किया था, आत्मा का स्वरूप स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा कहा, यदि स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा है तो जैसे अग्नि की उष्णता हमेशा होती है, उसका स्वरूप है उष्णता, उष्णपुंज में अग्नि कहा जाता है, ठीक इस प्रकार आत्मा का स्वरूप हो तो सुषुप्ति में क्यों त्याग देता वो अपने स्वरूप को, चैतन्य को नहीं मिलता वहाँ चैतन्य क्यों त्यागता है, यदि नहीं त्यागता है तो क्यों नहीं जानता सुषुप्ति, यदि चैतन्य है वहाँ तो क्यों नहीं जानता है, ये दोनों तरफ से कहा था गुरुवादी ने, इसके शंका के उत्तर रूप से ये बताया गया। ठीक है यद्वै तद् इत्यादि वाक्यम चोदितार्थ अनुवाद जो प्रश्न किया था पूर्वादि ने उसका अनुवाद है, कहा चार की टिप्पण बताया है, योगा यद शब्द योगा यद शब्द लगा हुआ है, यद्वै तन्न पश्यति में यद शब्द लगा है, यद शब्द के संबंध से दिखता है कोई प्रश्न है उसका उत्तर के लिए है। तत्परिहार अस्तु उसका परिहार क्या है, यद्वै तन्न में शिशु जो नहीं देखता ये जो प्रश्न था इसका खंडन करके बोलते हैं तो पश्चन इत्यादि वाक्य जो पश्चन आदि है ना पश्चन भाई तन्न पश्यति उस अवस्था में देखता हुआ नहीं देखता, जानता हुआ नहीं जानता, दोनों है ज्ञान अज्ञान दोनों है वो, क्यों स्वरूप का ज्ञान है और विषय का अभाव का ज्ञान, विषय का ज्ञान नहीं विशेष का अभाव है, विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है कहना पश्चन इत्यादि वाक्य विधि विभाजित है, ये विभाग करके बोलते हैं यद तत्र इत्यादि का आवाज हो यद तत्र सुसुते न पश्यति ज्ञानी से जो तुम ऐसा मानते हो जानते हो उस सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानता है, मानता आप जड़ है ये कहना चाहते हो तंत्र तथा नहीं है उसे नहीं जानता है, पश्चिम में तन्न पश्यति अस्मात् पश्चिम में तन्न पश्यति आगे ठीक है नहीं इत्यादि वाक्य निरस्य आशंका बाहर आगे नहीं दस्तु दृष्टि विपरण को विद्यते अविनाशित्व आदि वाक्य है, पश्चिम में तन्न पश्यति के आगे नहीं दृष्टु दृष्टि विपरण को विद्यते अविनाशित्व दृष्टा की जो दृष्टारूप जो दृष्टि है साक्षी साक्षी रूप जो दृष्टि है उसका कभी अभाव नहीं होता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में सभी कालों में साक्षी है, प्रमाता का अभाव हो जाता है, सुषुप्ति में प्रमाता नहीं है क्योंकि उस उपाधि काल में दिन और रखे प्रमाता नहीं है किंतु साक्षी वहाँ विद्यमान है, ये कहना है नहीं दृष्टुर दृष्टि दृष्टारूप दृष्टि अथवा ये दृष्टा माने प्रमाता उसके जो दृष्टि माने साक्षी प्रमाता को भी जो जानता है वो साक्षी उसका कभी अभाव नहीं होता, ये वाक्य है एक नहीं इत्यादि वाक्य निरस्य आशंका
नहीं, द्रष्टुर दृष्टि विपन्नमो विद्यते अविनाशित्वा, ये वाक्य के द्वारा जो खंडनीय शंका है पहले शंका को रखते हैं, शंका रहते हैं। पूर्वादि का धर्म एवं न पश्यति थी सुषुप्ते न जानी जानी वहाँ पूर्वादि ननु एवं सुषुप्ते पश्यति न जानी वहाँ, सुषुप्ति में जानता है देखता है ऐसा हम जानते नहीं, नहीं जानता पूर्वादि एवं इस प्रकार इत्येवं जानी इस प्रकार इत्येवं न जानी है वहाँ पश्यति सुषुप्ते पश्यति न जानी सुषुप्ति में जानता हो देखता हो ऐसा मैं हम जानते नहीं पूर्वादि कहा। यह तो क्योंकि जानने के साधन नहीं हुआ, कैसे जानेगा वो सुषुप्ति में ये पूर्वादि, यह तो जिससे कि न चक्षुर्वा मनोवा दर्शन कर्म व्यापकम अस्त, उस काल में चक्षु का व्यापार भी नहीं है, मन का व्यापार भी नहीं है, कर्ण के व्यापार होने पर जानना होता है, चक्षु जब घट में पहुँचती है तो घर ज्ञान होता है, जानना होता है, चक्षु ही नहीं तो घड़ियाल कैसे होगा, कारण नहीं है वहाँ सुषुप्ति में, इसलिए जानता नहीं है कैसे पश्चिम वो कैसे बोल दिया है, जानता हुआ कैसे कहा, ये पूर्वादि की शंका नौ एवं न जानता हम ऐसा नहीं जानते। पश्यति थी सुषुप्ति पश्यति थी सुषुप्ति में जानता है देखता है या आत्मा ऐसा हम नहीं जानते पूर्वादि कहता है। यह तो जिससे कि जानने का साधन नहीं है न चक्षुर्वा मनोवा दर्शन कर्म व्यापक अस्ति, चक्षु हो चाहे मन हो देखने का साधन, कभी चक्षु से देखा जाता है कभी मन से देखा जाता है, सुख दुख का देखना मन से होता है, चक्षु का विषय नहीं सुख दुख मन का विषय होता है, घटादि का दर्शन चक्षु से होता है, देखने का साधन वहाँ नहीं है कैसे जानेगा सुषुप्ति में, पश्चिम वही तन्न पश्चिम कैसे हो सकेगा, कर्म व्यापक कर्ण का व्यापार नहीं इंद्रियों का व्यापार नहीं उस काल में, देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता है और अथवा मन की आवश्यकता है, जहाँ चक्षु का विषय नहीं मन की आवश्यकता है वो भी नहीं है, मन भी नहीं है चक्षु भी नहीं, वहाँ अपने कारण में लीन हो रखे हैं तो कैसे वहाँ देखेगा, तो पश्चिम वही तन्न पश्चिम कैसे हो सकता है कि पूर्वादि का। और बोलता है पूर्वादि व्यापृतेश ही दर्शन सर्वादिशु हो, व्यापार युक्त होने पर चक्षु हो श्रोत्र हो जो जो इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करना हो वो इंद्रिय के व्यापार होने पर ही व्यापृतेश ही दर्शन सर्वादिशु, दर्शन माने चक्षु श्रवण माने श्रोत्र इनके पश्यति इति व्यवहार होती है, चक्षु के व्यापार होने पर पश्यति ऐसा व्यवहार होता है, चक्षु का व्यापार होगा विषय अनुसार उस काल में पश्यति क्रिया का प्रयोग देखता है ऐसा बोला जाता है, श्रोत्र का जब व्यापार होगा उस काल में श्रोति बोला जाता है सुनता है कहा जाता है, जो व्यापार नहीं इंद्रियों में तो कैसे पश्यति आदि बोलना, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय नहीं है कैसे देखेगा, मन भी नहीं है चक्षु भी नहीं कैसे हो सकता है, पश्चिम वही कैसे बन सकता है, देखता हुआ ही नहीं देखता कैसे हो सकता है, ये पूर्वादि का कहना है। व्याकृतेश ही सर्व दर्शन श्रवणादिशो माने चक्षु अथवा श्रवण माने श्रोत्र इनका व्यापार होने पर व्यापार युक्त होने पर ही इंद्रियों के व्यापार युक्त होने पर भी पश्यति इति व्यवहारो भवति, पश्यति देखता है ऐसा व्यवहार होता है अथवा श्रृणोति इति अथवा श्रोत्र का व्यापार होने पर श्रृणोति व्यवहार होता है सुनता है ऐसा कहा जाता है, चक्षु का व्यापार होने पर पश्यति कहा जाता है, और उनको जब इंद्रिय ही नहीं वहाँ इंद्रिय का व्यापार नहीं उस काल में वहाँ सुषुप्ति अवस्था तो कैसे पश्यति बोले, पश्चिम वही कैसे होगा देखता हुआ ही कैसे बोलेंगे, ये पूर्वाजी बोल रहा है। दो और तीन की टिप्पणी का चक्षु स्त्रोत्रादिशु का दर्शन श्रवणादिशु का इनके व्यापार युक्त होने पर पश्यति इति व्यवहार होती, व्यवहार कैसा जात्यंधारो तथा व्यवहार अदर्शनाथ, देखो जो जन्म से अंध है पश्यति ऐसा व्यवहार नहीं होता, देखता है ऐसा व्यवहार नहीं होता, जन्मांध व्यक्ति को कोई देखता है नहीं बोलते, क्यों चक्षु का व्यापार नहीं है, और जो बधिर होगा जन्म से ही बहिरा होगा उसको श्रीमोति शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों श्रोत्र इंद्र का व्यापार नहीं है, तो इस प्रकार सुषुप्ति में श्रोत्रादि नहीं है, जैसे जन्मांतर के पास नहीं है श्रोत्रादि चक्षुरादि नहीं है पश्यति व्यवहार नहीं हो सकता, वहाँ सुषुप्ति अवस्था में इसका भी वैसा ही है चक्षुरादि नहीं है तो कैसे पश्यति बोला, पश्चिम भाई तन्न पश्यति कैसे बोला, ये पूर्वादि कहा। अच्छा व्यापृत आने का पश्चिम
उस काल में व्यापारयुक्त इंद्रिया हम देखते नहीं, पूर्वादि का रहा है। सुषुप्ति काल में इंद्रिया व्यापारयुक्त हो, चक्षु व्यापारयुक्त हो तो पश्चात बोला जाता है, किंतु चक्षु व्यापार नहीं हो सकती, चक्षु है नहीं उस काल में, कारण नहीं हो रखा। न तो व्यापृता नहीं कर रहा नहीं पश्चिम, व्यापारयुक्त कारण मानी इंद्रियों को हम नहीं देखते हो, पूर्वादि कहा चार के टुकड़े कहा अनुभव आप ऐसा अनुभव नहीं करते हो, माने कर्ण का इंद्रियों का व्यापार हो रहा हो ऐसा अनुभव हमें नहीं होता। तस्मात न पश्यति एव अयम, अयम ये प्रमाता, ये प्रमाता है उस काल में, यह आत्मा नहीं देखता उस काल में। तस्मात न पश्यति एव अयम है आत्मा, यह आत्मा देखता नहीं उस सुषुप्ति काल में, न पश्यति तन्न पश्यति कैसे बोलती है, ये शंका पूर्वादि है। पांच के टिप्पणी में कहा व्यापृत करना भाव तस्मात पर है, व्यापारयुक्त इंद्रिया नहीं है उस काल में, चक्षु नहीं हुआ व्यापारयुक्त नहीं, चक्षु कैसे देखेगा, देखना संभव नहीं। ये शंका आने पर उत्तर देते हैं नहीं नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरीतो विद्यते अविनाशत्वात्, इस पंक्ति के द्वारा खंडन करना है, मंत्र में है नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरीतो विद्यते अविनाशत्वात, जो द्रष्टारूप दृष्टि द्रष्टा की दृष्टि दो दो है, दोनों षष्ठत्व पर है, दोनों में समानाधिकरण भी है व्यधिकरण भी है, समानाधिकरण एक द्रष्टा की दृष्टि, द्रष्टा माने दर्शन करता, दर्शन करता प्रमाता, प्रमाता के जो साक्षी दृष्टि माने साक्षी, उसका लोप नहीं होता, प्रमाता का तो लोप हो जाएगा सुषुप्ति अवस्था, प्रमाता नहीं रहेगा अंतकरण नहीं उसका तो प्रमाता कैसे रहेगा, किंतु उसके साक्षी प्रमाता के अभाव देख रहा है उस काल में सुषुप्ति अवस्था में साक्षी, जागृत में प्रमाता को देखता अभाव देखता है, सुषुप्ति काल में अभाव को देखता है साक्षी, ये कहा तो इसका लोप नहीं होता, नहीं द्रष्टो दृष्टि विपरीत विद्यते अविनाशत्व, ये वाक्य है आगे मंत्र में वो कहा न नहीं कहा, नहीं द्रष्टि प्रतीक ले लिया, किम तरी जब फिर क्या हो रहा है पश्चिम बहुत ही सिद्धांत कहते फिर नहीं देखता पूर्वादि का फिर कैसे, तो कहा न न करके सिद्धांत खंड दिया न पश्यति न ऐसा नहीं, उस काल में भी जानता है सुषुप्ति में जानता है साक्षी, किमता ही प्रश्न दिया फिर क्या होता है उस काल में फिर कैसे जानता है, पश्चिम है वह बहुत ही देखता हुआ ही होता है सुषुप्ति काल में भी वह साक्षी जो है देखता हुआ होता है, ये सिद्धांत ने कहा। छः साल के टिप्पण में कहते हैं छः में कहा किम कोयम नियम, क्या नियम है ये पूर्वादि का, मान चक्षुरादि कारण नहीं है देखने का साधन नहीं फिर भी देखना क्या नियम है, ये नियम क्या बनेगा, तो कहा तो पश्चिम बोलते देखता कई होता है सिद्धांत बोलते हैं साथ में कहा तरी न पश्यति नियमाभावे, तरी का अर्थ न पश्यति ऐसा नियम नहीं है, देखता भी है नहीं भी देखता है दोनों स्थिति है वहाँ, विशेष विज्ञान का अभाव है नहीं देखता है, विशेष वस्तु के अभाव होने के कारण सामान्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, पश्यति और न पश्यति दोनों होता है सुषुप्ति का, कथम कैसे पूर्वादि ने पूछा तो उत्तर देते हैं नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरीतो विद्यते अविनाशत्वात्, माने द्रष्टा शब्द से वहाँ एक प्रमाता को लेते हैं तो द्रष्टा की दृष्टि व्यधिकरण होगा, माने साक्षी इसका जो प्रमाता की साक्षी है उसका कभी अभाव नहीं होता, अथवा द्रष्टारूप दृष्टि करेंगे तो साक्षी उसका अभाव नहीं होता, प्रमाता का अभाव हो जाता है सुषुप्ति काल में, प्रमाता के लिए अंतकरण अंतकरण नहीं हो सुषुप्ति काल में इसे प्रमातृत्व नहीं है, जैसे जल सूखने पर प्रतिबिंब नहीं दिखता ऐसी स्थिति वहाँ, ठीक इसी प्रकार है तो प्रमाता का अभाव है उस काल में किंतु साक्षी का अभाव नहीं है, ये कहना है नहीं द्रष्टु दृष्टि विपरीत को विद्यते अविनाशत्वात्, इसी का अर्थ करना नहीं ही माने यस्मात् द्रष्टुर दृष्टि कर्तुः, द्रष्टा माने दृष्टिकर्ता को द्रष्टा बोला जाता है, देखने वाले को द्रष्टा कहा जाता है, द्रष्टुः माने दृष्टिकर्तुः जो दृष्टि को करने वाला कर्तु, या दृष्टि उसके भी जो दृष्टि है दृष्टि करने वाले का जो दृष्टि है माने साक्षी, तस्या उस दृष्टि का दृष्टिकर्ता का जो दृष्टि है दृष्टिकर्ता प्रमाता उसके जो दृष्टि माने साक्षी उसका दृष्टि है वो दृष्टि उस दृष्टि का मतलब दृष्टि का जो दृष्टा है दृष्टिकर्ता का जो दृष्टा है दृष्टि है उसका विपरीत लोग
अभाव रहता, विपरीत लोगों का विनाश स न विद्यते, विनाश नहीं होता उसके, विनाश नहीं होता, नहीं दृष्टि विद्यते विपरीत लोगों को विद्यते, ये तर्क उसका नाश नहीं होता, दृष्टा के मान दृष्टिकर्ता का जो दृष्टि है मान साक्षी दृष्टिकर्ता प्रमाता, प्रमाता के जो दृष्टि मान साक्षी उसका अभाव कभी नहीं होता, कभी अभाव नहीं बनता, न विद्यते कहा टिप्पणियाँ हैं। आठ में कहा नहीं अस्मात् द्रष्टुर दृष्टिकर्तुर, कहा द्रष्टु माने दृष्टिकर्तुर, द्रष्टुर दृष्टे बोला हुआ है, तो आठ नंबर टिप्पणी बताया प्रमातु, यहाँ द्रष्टु शब्द जो दिया नहीं द्रष्टुर दृष्टे में द्रष्टु शब्द प्रमाता के लिए कहा, अंतकरण विशिष्ट को कहा, दृष्टि माने क्या लेना है तो लोग कहते हैं साक्षी रूपा, दृष्टा की दृष्टि, दृष्टि माने साक्षी, जो दृष्टा को भी जानती है जो दृष्टि, वो दृष्टि साक्षी रूप दृष्टि, उसका अभाव कभी नहीं होता, ही आता है उसका अभाव नहीं होता, ही कहा कभी थे कभी नाश होता, कैसे यथा अग्नि औष्णम यावत अग्निभाव, जैसे अग्नि की उष्णता जब तक अग्नि है तब तक है, उसका अभाव कभी उष्णता के अभाव नहीं होगा, अग्नि रहते रहते जिस प्रकार अग्नि की उष्णता जब तक अग्नि है तब तक है, उसका स्वभाव अग्नि की उष्णता अग्नि को छोड़कर जा नहीं सकती, जब तक अग्नि है अग्नि है, ठीक इसी प्रकार तथा अयम आत्मा, अयम च आत्मा या आत्मा साक्षी रूप जो आत्मा है, अभी दृष्टा विनाशी, ये जो दृष्टा है प्रमाता तो विनाशी है, दृष्टा विनाशी विनाशी है, अतो अविनाशित्वात् यथा दृष्टा अविनाशी तथा दृष्टा अविनाशी है, इसी प्रकार जैसे अग्नि की उष्णता जब तक अग्नि है तब तक है, उसका अभाव नहीं होता, इसी प्रकार दृष्टा के दृष्टा जो साक्षी रूप जो दृष्टा है आत्मा प्रमाता का जो दृष्टा वह अविनाशी है, साक्षी का अभाव नहीं होता कभी, अविनाशी है, अतो अविनाशी द्वार अविनाशी होने से विनाश नहीं होता इसका, आत्मा वो दृष्टि में भी अविनाशी, जब आत्मा अविनाशी है तो उस वो जो आत्मा में जो दृष्टि होगी आत्मा रूप जो दृष्टि है वो भी अविनाशी नहीं है, जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि जब तक है तब तक नाश नहीं होना है, ठीक इसी प्रकार आत्मा अविनाशी है, अविनाशी में जो दृष्टि रूप है वह अविनाशी नहीं है, दृष्टि भी अविनाशी है, अविनाशी द्वार कहा था मूल में इसी कारण है अविनाशी नहीं, यावत दृष्टिभाविनी जब तक दृष्टा है, दृष्टा नित्य है, कभी अभाव नहीं होता दृष्टा का, साक्षी का अभाव कभी नहीं होता, जब तक वो है तब तक दृष्टि अविनाशी दृष्टि है, यावत दृष्टिभाविनी सावर दृष्टि जब तक आत्मा है तब तक रहना है, माने आत्मा नित्य है कभी नाश नहीं होना है, अविनाशी दृष्टि है, वो भावाभाव जानती है, जागृत में प्रमाता आदि को जानती है वो दृष्टि, और सुषुप्ति में अभाव को जानते हैं, प्रमाता नहीं है इस काल में, भावाभाव की जानकार रखते हैं, जानकारी वाली दृष्टि है, माने साक्षी वो है, या दृष्टि माने साक्षी का, ठीक है देखे चक्षुरादि व्यापारा भावे भी सुसुप्ते दर्शनादि के मैं सिद्धांत की ओर से शंका उठाई, पूर्वादि वाक्य में कहा था उस काल में देखता नहीं है, सुसुप्त में जानता नहीं आत्मा जड़ है, आत्मा यदि माने चैतन्य स्वभाव वाला यदि है चेतन है तो सुसुप्त में भी जानना चाहिए, नहीं जानता क्यों, वह जानने का साधन नहीं उसके पास, चक्षुरादि है ही नहीं, कैसे देखे वो, तो जानना संभव नहीं है, एक पूर्वादि कह रहा था सिद्धांत कहते हैं चक्षुरादि व्यापार, चक्षुरादि के व्यापार होने पर ही देखना आदि होता है, चक्षु का व्यापार विषय में पहुंचे तब घटम जानाती पटम जानाती ऐसा ज्ञान होता है, कि तो व्यापार है ही नहीं चक्षु नहीं तो कहाँ से व्यापार होने उस काल में सुषुप्ति काल में, या इत्यादि कहा था उसको कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं चक्षुरादि व्यापार अभाव में भी यद्यपि चक्षुरादि का व्यापार नहीं उस काल में सुषुप्ति में नहीं है, फिर सुषुप्ति दर्शनादि क्यों नहीं सह, दर्शनादि क्यों नहीं होगा, चक्षुरादि का व्यापार नहीं फिर देखना आदि क्यों नहीं होगा, ये शंका उठाई है विदेशी ने सिद्धांत की ओर से, तो पूर्वादि बोलता है व्यापृत ही दर्शन श्रोणादिशु पश्यति व्यवहार होती, और श्रोणोति ये दो व्यवहार
देखता है कहने के लिए चक्षु का व्यापार होना चाहिए, श्रुणोति के लिए श्रोत्र का व्यापार होना चाहिए, तभी श्रुणोति पश्यति बोला जाता है। न तो व्यापता निकाली पश्चिम, हम उस काल में इंद्रियों को व्यापार देखते हैं, व्यापारी तो इंद्रियां नहीं देखते शिशु काल में, ऐसे ध्यान हमें होता रहे। टीका में कहते हैं अस्तु तरी तथापि कर्ण व्यापारो सिद्धांति के एक देश ने कहा कहते हैं कि वहाँ भी तथा भी सुषुप्त हो विशुषित अवस्था में इंद्रियों का व्यापार हो पश्यति क्रिया के लिए, चक्षु का व्यापार हो तो पूर्वाजी बोलता न इतना व्यापार नहीं होता। ठीक है, दस और ग्यारह की टिप्पणी है तरही और तथापि को तरी में कहा व्यापृतेशु कर्णेशु पश्यति इत्यादि व्यवहार सती व्याप इंद्रियों में व्यापार युक्त तो होने पर पश्यति आदि व्यवहार हो तो व्यापार है उस काल में मानो, तो पूर्वाज बोला ना न कहता है तथापि मन सुषुप्त भी सुषुप्त में भी व्यापार इंद्र को मानो, तो पूर्वाज बोलता न ऐसा हम नहीं मान सकते। न च इत्यादि पूर्वाज ने कहा न च व्यापृता नहीं करवा नहीं पश्याम, हम उस काल में सुषुप्त अवस्था में व्यापार युक्त इंद्रियों को नहीं देखते हैं जहाँ पश्यति क्रिया हो सके आगे, चक्षु का व्यापार हम नहीं देखते वो। ठीक है, तस्मात न पश्यते भजो, ये आत्मा जो है उस काल में नहीं देखता है, माने उसका चैतन्य अभाव है, वहाँ चैतन्य वो तो देखना चाहिए, चैतन्य नहीं है, जड़ है आत्मा, ये गुरुवादि का कहना है। ठीक है, अयम इति सुषुप्त पुरुष उक्ति ही पश्यति एव न पश्यति एव अयम, अयम सुषुप्त अवस्था के पुरुष कहा नहीं देखता उस काल में, सुषुप्त अवस्था में जो पड़ा हुआ आत्मा है वो नहीं देखता, क्यों व्यापार युक्त इंद्रिया नहीं उस काल में, पूर्वादि कह रहा था। ठीक है, न पश्यति एव इति नियमम निषेधति, न पश्यति ऐसा नियम बनाया पूर्वादि, वह नहीं देखता है क्यों इंद्रियों का अभाव है, इस नियम का खंडन करते सिद्धांत, न पश्यति जो नियम पूर्वादि ने कहा इसका खंडन करते, नहीं ऐसा नहीं देखता भी है, नहीं देखता है ठीक है, देखता भी है, जानता भी है, नहीं जानता है तो ठीक बोल रहे, जानता भी है, ऐसा नियम नहीं कि नहीं जानता, ऐसा नियम नहीं, जानता भी है, ये कहना चाहते सिद्धांत नहीं कहा, नहीं ना ये नियम नहीं है सिद्धांत ने कहा। किम तर ही पूर्वादि पूछता आगे टीका में, तत्र हेतु भक्तुम प्रश्न पूर्वकम प्रतिज्ञा प्रस्तुति कहते हैं, उसमें हेतु बता रहा है कैसे जानता है हेतु कहने के लिए, प्रश्न पूर्वक कथम करके प्रश्न किम इत्यादि प्रश्न करेगा वो किम तरी करेगा, तो प्रस्तुति उसका प्रस्ताव रखते हैं कहा। बारह और तेरह की टिप्पणी करते हैं, बारह में कहा उक्त नियम निषेधे, नहीं जानता है ये नियम का निषेध करने पर, सिद्धांत नहीं जानता है ये बात, नहीं जानता भी है ये नियम का निषेध करने पर, और प्रस्तौति में बार में कहा तेरह है स्थापयती है ग्यारह का था तत्र मैंने उक्त नियम निषेधे, जो पूर्वोक्त नियम पूर्वादि ने कहा था नहीं देखता है वह सुषुप्ति में, उसका नियम के निषेध में प्रस्ताव रखते हैं कहा, क्या प्रस्ताव है आगे बोलते हैं, किम तरी पूर्वादि ने पूछा तो उत्तर देते हैं, पश्चन एवं भवती देखता हुआ ही होता है सुषुप्ति में भी, इंद्रियों का व्यापार नहीं है फिर भी देखता है, साक्षी के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता से जो ज्ञान होना प्रमाता को होता है, जागृत में होता है, प्रमाता को जागृत अवस्था में प्रमाता को आत्मा को प्रमाता कहा जाता है, वहाँ इंद्रियों की अपेक्षा से ज्ञान होता है, और सुषुप्ति अवस्था में जो ज्ञान होगा प्रमाता को नहीं होता, तो प्रमाता वहाँ प्राज्ञ रूप में बैठा हुआ है साक्षी भाव में, तो साक्षी के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए, ये कहते हैं उत्तर दिया है तो पश्चिम बोलते हो। आगे प्रश्न है तत्र आकांक्षा पूर्वक हेतु वाक्य उठाते जाते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे आप हेतु देना पड़ेगा, प्रतिज्ञा है पश्चिम भगवत सिद्धांत देखता हुआ होता है, उसके सिद्धि के लिए हेतु देना पड़ेगा, तो आकांक्षा जिज्ञासा पूर्वक पूर्वादि बोलते हैं महाराज कैसे बताओ ना, सुषुप्ति में इंद्रिया नहीं है फिर भी जानता कैसे जानता है, तत्र सुषुप्ति अवस्था में चौदह की टिप्पणी बताया तत्र मैंने पश्चन एवं प्रतिज्ञाते हैं, पश्चन एवं भवती का देखता हुआ होता है वहाँ भी सिद्धांत का उस प्रतिज्ञात जो विषय है उसमें
जिज्ञासा पूर्वक हेतु देते हैं। तो क्या कहा, कथम ये प्रश्न किया, उसके बाद हेतु देते हैं, नहीं दृष्टि दृष्टि विपरीत को भी देते अविनाशी तो हेतु यही है। दृष्टा की जो दृष्टि है, ये प्रमाता की जो साक्षी है, प्रमाता को भी जो जानता है, भावाभाव रूप से जानता है वो साक्षी, उसकी दृष्टि का साक्षी का कभी लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, वो सुषुप्ति में साक्षी है, साक्षी जानता है वह, उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो इंद्रियों को भी साक्षी है, इंद्रिय है या नहीं उसकी भी साक्षी है। चक्षुषा चक्षु के अनुमर से हमने कहा था, वो चक्षु का भी चक्षु है इत्यादि, नहीं इत्यादि का नहीं, अस्मान ही मन अस्मान दृष्टुर दृष्टि कर्तुर, दृष्टा माने दृष्टि करता प्रमाता, यही है या दृष्टि, जो दृष्टि माने साक्षी, प्रमाता की जो साक्षी है तस्या दृष्टि, उस दृष्टि का साक्षी रूप जो दृष्टि उसका विपरीलोकों न बीतते, यही है विपरीलोक अभाव नहीं होता उसका, कभी अभाव नहीं होता उसका। प्रमाता का भावाभाव दोनों है, जागृत में प्रमाता है, सुषुप्ति में नहीं है, और साक्षी तीनों का अलग है, प्रमाता को जागृत में प्रमाता बन के काम कर रहा है जानता है, सुषुप्ति में प्रमाता का अभाव को जानता है साक्षी, उसका उसके कभी अभाव नहीं होता साक्षी का। कैसे तो कहते हैं अविनाशित्वादि इत्येतत् व्याकुर्वन् दृष्टेर विनाशाभावं स्पष्ट है, कहते हैं अविनाशित्वात् हेतु दिया, ये अविनाशी है वो दृष्टि, दृष्टा की दृष्टि है साक्षी, अविनाशी है, अविनाशित्वात् बोला था सुनते नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरीतो विद्यते अविनाशित्वात्, अविनाशित्व का हेतु बनाया था, अविनाशी दृष्टि है उसका नाश नहीं होता साक्षी, यही कहा अविनाशित्वादी एतत् जो व्याकरण अविनाशत्व का व्याख्या करते हुए दृष्टिर विनाशाभाव प्रश्न, दृष्टि का साक्षी का विनाश का अभाव, विनाश नहीं हो सकता, एक स्पष्टीकरण करते हैं यथा इत्यादि का, यथा अग्निर औष्ण यावद अग्नि भावी, जैसे अग्नि की उष्णता जब तक अग्नि है तब तक है, ये नहीं कि अग्नि की पहले उष्णता चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार तथा अयम से आत्मा ये साक्षी रूप जो आत्मा है दृष्टा, प्रमाता आदि का जो दृष्टा साक्षी है वह उसका अविनाशी आत्मा अविनाशी है, विनाश नहीं होता, अतो अविनाशित्वात् इसलिए अविनाशी होने से आत्मनो दृष्टि अभी अविनाशी, जब आत्मा अविनाशी है तो आत्मा की दृष्टि जो साक्षी है, आत्मस्वरूप जो दृष्टि है वो भी अविनाशी है, जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि स्वरूप है, जब तक अग्नि है तब तक है, पहले उष्णता का नाश नहीं होता, इसी प्रकार एक अविनाशी ने यावत दृष्टिभावि, जब तक साक्षी है तब तक दृष्टि भी है, जब तक दृष्टा है तब तक दृष्टि है, वो दृष्टि है अविनाशी दृष्टि है वो साक्षी, ठीक है। इसमें भी एक वार्तिक है ननु के ऊपर, ननु एवं के ऊपर वार्तिक है, ये वार्तिक है ननु एवं से लेकर के यावत दृष्टिभाव पूरे पैरे के ऊपर ये वार्तिक चल रहा है, ननु एवं न पश्यति दिशु सुप्ते न जानिमा इत्यादि जो पूर्वाग्नि ने शंका उठाई थी, यहाँ से लेकर यावत दृष्टिभाविनी तक पूरे पैरे के ऊपर बाहर दिखाई जाते हैं नम एवं इति आरभ्य यावत दृष्टिभाविनी ही सा, वो दृष्टि जब तक दृष्टा है तब तक है, यहाँ तक इति अंतभाष्य, यहाँ तक भाषा में वार्तिकाचार्य तथा वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य कहते हैं, क्या बोलते हैं न पश्यत्येव नन्वत्र चक्षुरादेर असंभवः करणान्यं करणान्यन्तरेणेह जात्यन्तादि न दीक्षते, ये पूर्वादि की शंका यही है, न पश्यति एव अत्र आक्रमण सुषुप्त, सुषुप्त अवस्था में नहीं देखता है, कैसे वहाँ पर यदि चैतन्य हो आत्मा स्वरूप चेतन हो तो वहाँ भी देखना चाहिए, वहाँ नहीं देखता मैंने चेतन नहीं आत्मा, ये पूर्वादि का कहना है, न पश्यति एव देखता नहीं वहाँ सुषुप्त अत्र अत्र मैंने सुषुप्त अवस्था में, चक्षुरादि असंभवात् क्यों, चक्षुरादि नहीं है, देखने के लिए चक्षु चाहिए, सुनने के लिए श्रोत्र चाहिए, कारण है नहीं, इंद्रिया नहीं वहाँ, इंद्रिया न होने से न पश्यति, यही है देखता नहीं आत्मा, माने देखना नहीं माने चेतन नहीं है, चैतन्य होता देते हैं, एक पूर्वादि करना करणानि अन्यतरेण इंद्रियों आदि के बिना देखना सुनना नहीं बनता, इंद्रिया आदि के व्यापार के बिना
देखना सुनना नहीं होता, करणा ने अन्न तरण ये हमारे सुसुप्त हो जात्यंत आदिर न विक्षते, जो जन्म से अंत है ना उनके पास कारण नहीं है, इंद्रिया नहीं है, इसलिए नहीं देख। तो ये भी सुसुप्त अवस्था में इंद्रिया नहीं, इसके पास भी सुसुप्त आत्मा में इंद्रिया नहीं है, जन्मांध के समान हो रखा है, कैसे देखेगा? जैसे जन्मांध व्यक्ति होता है देख नहीं सकता, जन्म से बधिर होगा वो सुन नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में उसी स्थिति में क्यों उनके पास इंद्रिया नहीं है, देखने सुनने के इंद्रिया नहीं है, वैसे इसके पास भी इंद्रिया नहीं उस काल में सुसुप्ति काल में, जन्मांध के समान है। तो नहीं के पूर्वादि ने कहा न पश्यति एव ननु अत्र, ननु माने शंका के लिए, अत्र माने सुसुप्त हो, न पश्यति वो देखता नहीं यहाँ को, तो चक्षुरादि असंभव, चक्षुरादि इंद्रिया नहीं है, करणानि अन्नतरेणा इंद्रिय आदि के बिना बिना जात्यंत आदर नवीक्षा, जात्यंत माने जन्मांध जो होता है वो देखते नहीं, क्योंकि अकारण नहीं उनके पास, ठीक इस प्रकार इसके पास भी नहीं है इंद्रिया नहीं है, सुसुप्ति काल में नहीं देखता है, पूर्वादि ने कहा जात्यंत विशेष नवीक्षते कहा देखता नहीं कहा, तो सिद्धांत कहते नहीं तो देखो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है नहीं देखता है, नहीं देखता भी है सिद्धांत बोलते हैं, नहीं तदेव यथो दृष्टु कारक से समीक्षणे करणानि विक्षन्ते नत्वकारक विक्षणे। देखो दो प्रकार के दृष्टा हैं सिद्धांत बोलते हैं, एक क्रिया करने वाला जो करता है, दृष्टि करने वाला देखने वाला जो दृष्टा होगा, ये कारक कर्ता बनने वाला जो दृष्टिकर्ता बनने वाला जो आत्मा होगा उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, प्रमाता को इंद्रियों की आवश्यकता है, जो जागृत अवस्था में पड़ा है अंतकरण विशिष्ट होकर के बैठा है जिस काल में इंद्रियों के उपयोग से वस्तु को जानता है, उसके लिए तो है इंद्रियों की आवश्यकता है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नियम नहीं है। यथो दृष्टु यथो, जिससे कि दृष्टु कारक से जो कारक रूप दृष्टु दृष्टा है, जो कर्ता बनता है दृष्टिकर्ता जो बनेगा प्रमाता उसका, तो समीक्षण उसके जब दर्शन करने में जो कारक रूप दृष्टा है उसके समय दर्शन में करणानि विपक्षन्ते, इंद्रियों की अपेक्षा करता है, करण की अपेक्षा से ही वो जानता है, इंद्रियों के माध्यम से जानता है, न तो अकारक वीक्षण है, जो अकारक है साक्षी कारक नहीं है अकारक है, उसके दर्शन के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, साक्षी के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, प्रमाता के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, सुश्रुति में साक्षी है वह इंद्रियों के बिना ही जानता है, ठीक है। स्वप्ने भी चक्षुरादीनाम अपीति अपीति श्रुते श्रुतौ कुतः सुषुप्तौ तानेश्वर यत्र तद्वासना पिनः। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न अवस्था में भी वो प्रमाता नहीं होता, स्वप्ने भी चक्षुरादीनाम अपीति तत्र भागाप्यति चक्षुरप्यति अप्य प्राणो अप्यति इत्यादि आता है, स्वप्न अवस्था में वाणी काम नहीं करती, वासना में ही वाणी होती है, बाह्य इंद्रिय नहीं होती, माने चक्षुरूप इंद्रिया नहीं होती, वासना में इंद्रिया होती है सारे वाले, स्वप्न में भी वासना में होते हैं फिर भी वह देखता है, वासना में इंद्रियों को द्वारा देखता है स्वप्न अवस्था में, जागृत में तो इंद्रिया है इंद्रियों से माध्यम से देखेगा, स्वप्न में भी इंद्रिया नहीं है वासना वही है, क्यों श्रुति स्वयं बोलते न तत्र भाग अप्यति, स्वप्न अवस्था में भाग भी लीन हो जाते हैं, चक्षु लीन हो जाते, सब लीन हो जाते हैं, कहती श्रुति वासना में इंद्रियों का व्यवहार होता है, जब वहाँ भी माने इंद्रियों के बिना ही देखता है, स्वप्न अवस्था में भी इंद्रियों के बिना देखता है, वास्तविक इंद्रिया नहीं है वहाँ, तो सुसुप्ति में कहाँ इंद्रियों की आवश्यकता हो, ये कई व्यक्ति न्याय लगा रहे हैं। स्वप्ने भी चक्षुरादीनाम अपीति स्मृते श्रुतौ, श्रुति में ऐसा सुनाई जाता है, ऐसा सुनाई पड़ता है स्वप्न अवस्था में भी चक्षुरादीनाम अपीति लीन हो जाते हैं, भाग आदि अपने अपने कारण में लीन होते हैं, ऐसा आता है, काम नहीं करते कहा गया है, श्रुति में ऐसा सुनाई पड़ता है। कुतः सुषुप्त होता है, जो स्वप्न में भी इंद्रिया नहीं है, बाहर में इंद्रिया से देखना सुनना होता है, सुषुप्त अवस्था में तहानी मानी इंद्रिया कुतः कहाँ से हो सकेंगे, जब स्वप्न में भी नहीं इंद्रियों के बिना ही देखना होता है, तो सुषुप्त में कहाँ से इंद्रियों की आवश्यकता होगी, ठीक है।
यत्र तद वासना भी लगा, जहाँ संस्कार भी नहीं है, स्वप्न में तो वासना में इंद्रिया थी, वहाँ तो वासना में इंद्रिया भी नहीं है सुषुप्ति में, तो कैसे देखे कौन? ये सिद्धांत ने कहा माने देखना उसके लिए आवश्यक, प्रमाता को देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, किंतु साक्षी के लिए नहीं है, साक्षी वहाँ है सुषुप्ति अवस्था में, उसको नहीं ये कहा। न पश्यति वचनम कारकादे असंभव वास्तव वृत्तमापेक्षा पश्यन वे तत्ते, एक सिद्धांत ही बोल रहे हैं, न पश्यति वचनम पश्यन वे तन्न पश्यति, न पश्यति कहा है क्यों? कहते हैं वहाँ कारकादे असंभव, कारक नहीं, वहाँ कर्ता नहीं, कर्म नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, कर्म नहीं, कारक आदि के अभाव के कारण न पश्यति कहा, देखने का साधन आदि न होने से नपश्यति कहा गया है। एक वास्तव वास्तव आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको देख करके कहते हैं कि अपेक्षा पश्चन भाई तदीर है, पश्चन भाई कहा गया आत्मा को वास्तविक के लिए, पश्चन भाई कहा माने जहाँ अनेक उपकरणों के द्वारा जानना होता है, कर्ता बनेगा जहाँ, वहाँ तो इंद्रियों की आवश्यकता है, प्रमाता काल में, किस काल में? प्रमाता काल जागृत, सुषुप्ति में उसकी आवश्यकता नहीं है, साक्षी भाव से देखना है, इंद्रियों की आवश्यकता भी नहीं देखता है, आत्मा का स्वभाव ऐसा है बिना इंद्रियों के देखता है, कहाँ देखा? सुषुप्ति में। एक कहा पश्चिमेवायत्रेतुतो भवे इत्यस्य हेतु सिद्ध्यर्थम नहीं द्रष्टुरिति रणम, पश्चिमेवायम आते ऐसे भी बोला जाता है, अत्र आते सुषुप्ति में देखता हुआ ही होता है आत्मा, किस प्रमाण से सिद्ध होगा, क्या हेतु है इसके लिए? तो प्रतिज्ञा वाक्य है, वहाँ भी आत्मा देखता है, सुषुप्ति में देखता है, तो क्या प्रमाण इसको पूछता है पूर्वादी, तो उत्तर देता है पश्चन पश्चन एवा अयम अत्र अयम आत्मा अत्र मन सुषुप्त पश्चन एवा आस्ते, देखता हुआ ही होता है, चेत यदि है तो कुतो भक्त, किस हेतु से सिद्ध होगा ये आत्मा देखता हुआ, कैसे सिद्ध होगा सुषुप्ति में? पूर्वादी की शंका आ गई, उसके उत्तर देते इत्यस्य हेतु सिद्ध पश्चिदेव भवती, इसके लिए हेतु की सिद्धि के लिए क्या करते हैं, हेतु सिद्ध्यर्थम नई द्रष्टु ऋण नई द्रष्टु दृष्टि विपरीत को पित्र अविनाशित्व आदि कहा गया, वहाँ भी देखता हुआ होता है, जो दृष्टा की जो दृष्टि दृष्टारूप जो दृष्टि है साक्षी, उसका अभाव नहीं होता, वहाँ साक्षी है, इंद्रिया महोदय पर भी साक्षी है, साक्षी से देखता है, साक्षी स्वयं देखता है, ये कहता है मेयमान प्रमात्रेणाम व्यभिचारे चात्मन अनन्यानोवादेव सिद्धिस्तध्वंस साक्षितः। देखो मेयमान प्रमाता प्रमात्रेणाम प्रमाण प्रमेय प्रमाता तीन प्रमाता मान प्रमाण को लेकर के चलने वाला प्रमाता और प्रमाण और प्रमेय वस्तु ये तीनों का अभाव काल में भी साक्षी रह जाता। मेयमान प्रमात्रिणाम व्यभिचारे भी सुषुप्ति अवस्था में नहीं है, विषय भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, प्रमाता भी नहीं है, तीनों का अभाव है, व्यभिचार है सुषुप्ति में। मानमेय प्रमात्रिणाम मेयमान मेयमान विषय कोई विषय नहीं सुषुप्ति काल में, मान मान प्रमाण भी नहीं उसको जानने के लिए, विषय को जानने के लिए प्रमाण भी नहीं, और प्रमाता जो जानने वाला वो भी नहीं, वहाँ व्यभिचारे भी व्यभिचार होने पर आत्मा व्यभिचारे भी आत्मा आत्मा वहाँ सिद्ध होता है, आत्मा की सिद्धि होती है अनन्य अनुभवाद है, वह अनन्य का अनुभव होता है, अन्य का अनुभव न होने नहीं होने से ही, अन्य का अनुभव नहीं वहाँ, अन्य विषय नहीं है न होने पर आत्मा की सिद्धि होती है, क्यों? तद्वंश साक्षी था ये प्रमाता प्रमेय प्रमाण का जो अभाव हो रखा है उसका उसके साक्षी हो जाता है, उसका जागृत काल में तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय का साक्षी बनता है, सुषुप्ति में उनका अभाव का साक्षी बनता है, इस काल में प्रमाता नहीं है और प्रमेय भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं, ऐसा जानता है साक्षी है वो, उसका नाश नहीं होता है। प्रमात्राद्यन भेद्या तम वस्तु पूर्वम समीक्ष ही नादराक्षम इति संदत्ते दृष्टवत् स्वचिदात्मना। देखो प्रमात्रादि के संबंध नहीं, जिस काल में सुषुप्ति काल में प्रमात्रादि नहीं है, प्रमाता आदि प्रमेय भी नहीं, प्रमाता भी नहीं, प्रमाण भी नहीं, इनके अभाव काल में सुषुप्ति काल में प्रमात्रा आदि अनिविद्यातम प्रमाता आदि के द्वारा जो संबंध नहीं जिन वस्तु का, वस्तु पूर्वम समीक्षा वस्तु को वहाँ जान करके
वो वस्तु को वह जानता है, वो जानकर ही नाद्राक्षम यदि संतत्ते, जागृत में आकर के बोलता है मैंने नहीं देखा वहां, बोलता है नाद्राक्षम मैंने नहीं देखा वहां, वस्तु नहीं देखा बोलता है, और वस्तु का समीक्षण किया उसने सुषुप्ति अवस्था में, जागृत में आकर के बोलता है प्रमाता वर्णन बोलता है मैंने वस्तु को नहीं देखा उस वहां, ऐसा बोलता है जैसे मैं वस्तु देख रहा हूँ वहां नहीं देखा, ऐसा बोलता है अनुसंधान करता है दृष्टवत देखे जैसे करके बोलता है सुचिदात्मना अपने चित रूप चेतन स्वरूप के द्वारा ऐसा कहता है साक्षी। यस्मा द्रष्टुरी यह दृष्टि यह दृष्टा प्रसिद्धति तस्यापि परिलोकोऽयं हेतुभावा हेत्वभावा न युज्यते। यस्माद् ये श्रुति से कि द्रष्टुरी यह दृष्टि, दृष्टा की जो दृष्टि है, दृष्टा को भी जानने वाले जो साक्षी है, ये जो दृष्टा है जागृत अवस्था का, इसको भी जानने वाला जो साक्षी है, दृष्टि माने साक्षी, यस्माद् जिस हेतु से द्रष्टुर ही माने यस्माद् द्रष्टुर या दृष्टि, दृष्टा की जो दृष्टि है माने साक्षी है, ये दृष्टा को भी जानने वाली जो दृष्टि है, यया दृष्टा प्रसिद्ध थी, जिस दृष्टि के द्वारा दृष्टा की सिद्धि होती है, साक्षी के बिना ये दृष्टा की भी सिद्धि नहीं होनी है, ये प्रमाता जो दृष्टा बनता है जागृत में देखने वाला, इसकी सिद्धि भी साक्षी के बिना नहीं है, जिस दृष्टि के द्वारा और साक्षी के द्वारा ये प्रमाता सिद्ध होता है, तस्या विपरलोक उस दृष्टि का जो प्रमाता जिसके द्वारा सिद्ध, जिस दृष्टि से प्रमाता सिद्ध होता है उस दृष्टि का, तस्या विपरलोक यम अभाव हेतु अभाव नहीं है, उसके लिए कोई हेतु नहीं कारण नहीं होता, उसका अभाव करने का कारण नहीं है, नहीं उसका अभाव नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, नाशोत्पत्त्यादय धर्म हेतु मद वस्तु नयत निर्हेतु साक्ष नश्योर आगमा पाई साक्षित। नाश उत्पत्त्यायो धर्म माने उत्पत्ति और नाश जिस वस्तु का होता है, उत्पन्न होना नाश होना होता है, यहाँ किसका होता है, हेतुमत वस्तु रहता है, जो कारण वाला होगा, जो कारण जिस कारण से जो बनेगा वो उसका उत्पन्न होना विनाश होना हेतुमत माने कारण वाला, जैसे घट उत्पन्न होता है नाश भी होता है, वो कारण वाला है, कौन कारण है वाला, मिट्टी, मिट्टी का है, पर उत्पन्न होता है नाश होता है उसका कारण तंतु, जो कार्य वर्ग है ना उत्पत्ति विनाश वाले कारण वाले होते हैं, एक नाशोत्पत्त्यादयो धर्म जितने भी धर्म है, नाश विनाश और उत्पत्ति आदि धर्म हेतुवत वस्तु में, जो हेतु वाला वस्तु होगा कारण वाला होगा उसी का होता है उत्पत्ति और विनाश, निर्हेतु साक्षी, साक्षी का हेतु नहीं है, हेतु वाला होगा वो उत्पत्ति विनाश वाला होगा, किंतु साक्षी का कोई हेतु नहीं कहा, निर्हेतु साक्षी हो जो हेतु रहित साक्षी है, कारण नहीं, साक्षी का कोई कारण नहीं है, साक्षी हो नश्योर आगमा पाए साक्षी था, वो तो ये जो वस्तु आते हैं तभी जानता है और अभाव होता है तभी जानता है, आगम और अपाय दोनों का साक्षी है, जो वस्तु उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी जानता है, वस्तु का विनाश दोनों को जानता है, प्रमाता आदि उत्पन्न होते हैं अंतकरण आदि के कारण प्रतिबिंब बन के जाता है उसको भी जानता है, अंतकरण के अभाव में प्रमाता का अभाव हो जाता है वो भी जानता है, ऐसे अभाव कभी साक्षी का अभाव नहीं है, नाशादि न स्वयं सिद्धे बिना नाशादि साक्षिणा ना तो विपरूप से दृष्टि दृष्टि कदाचन, अभाव के भी स्वयं सिद्ध, अभाव स्वयं सिद्ध नहीं होता है, अभाव के साक्षी के बिना या अभाव है कहने के लिए भी साक्षी की आवश्यकता है, साक्षी के द्वारा ही जाना जाता है अभाव की सिद्धि में, ठीक है, नाश आदि अभाव आदि उत्पत्ति और विनाश सिद्ध भी है, न स्वयं सिद्धे कोई भी वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्ध बिना नाशादि साक्षा जो उत्पत्ति नाश आदि के साक्षी के बिना वो वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता, उत्पन्न हुआ नाश हुआ वो वस्तु जो होगा साक्षी के बिना से ये नष्ट हो गया ये उत्पन्न हो गया उसको जानने वाला है वो साक्षी है उसके बिना नहीं हो सकता, ना तो विपुल लोग इसी कारण से जो उत्पत्ति विनाश वाले वस्तु के जो साक्षी उसका कभी भी अभाव नहीं होता, अतो न विपुल लोग दृष्टु दृष्टि कराचना दृष्टारूप जो दृष्टि है साक्षी है उसको कभी भी नाश नहीं अभाव नहीं होता, सुषुप्ति में भी साक्षी है प्रमाता रूप से काम नहीं कर रहा है किंतु साक्षी भाव में है, साक्षी है एक दृष्टुरात्मा एवं या दृष्टि प्रत्येक दृष्टि समीक्षते तस्यापि परिरूपोत्र न कथंतरि
इज्जते। द्रष्टुर आत्मा एव, द्रष्टुर विनाशी न द्रष्टु, जो विनाशी दृष्टा है, प्रमाता विनाशी है, सुश्रुति में नहीं है प्रमाता, इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करने वाला नहीं है वहाँ, यह आत्मा जागृत काल में जो इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करता है इसको प्रमाता कहा जाता है। वह जब इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार छोड़ देगा उस काल में प्राज्ञ नाम होगा वो सब, वो सुश्रुति अवस्था में है, उसका दृष्टा कोई नहीं है कहना चाहता। द्रष्टुर आत्मा ही, ये आत्मा ही है दृष्टा, द्रष्टुर आत्मा ही, यह दृष्टि जो आत्मरूप जो दृष्टि है, आत्मरूप जो दृष्टि है वह प्रत्येक दृष्टिया समीक्षते, आत्मदृष्टि से देखने पर तस्या भी प्रलोक होता है न कथन जनते, उसका अभाव कभी किसी प्रकार भी हो नहीं सकता। आत्मैव आत्मी आत्मी आत्मैव आत्मी भूतस्य या दृष्टि अविनश्वरी, आत्मीय भूतस्य द्रष्टुर विनाश, विनाशी न द्रष्टु, जो विनाशी दृष्टा है प्रमाता है उसको, जो आत्मीय भूत दृष्टि है आत्मस्वरूप जो दृष्टि है, स्वरूप रूप दृष्टि है वह अविनश्वरी, वो दृष्टि का अभाव नहीं होता, अविनश्वरी दृष्टि है, विनश्वरी नहीं, विनाश होने वाली नहीं है वो दृष्टि, उच्छेद रूप बद्ध थे, उसके कभी उच्छेद अभाव नहीं हो सकता उस दृष्टि का। आगमापाय नो द्रष्टु दृष्टि तत्साक्षणित्व हेतु या द्रष्टादि लोक साक्षित्व तस्या लोको न युज्यते, आगमापाय नो द्रष्टु, जो आगमापाय द्रष्टा, दृष्टा कभी होता है कभी नहीं होता, प्रमाता चक्षु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला जागृत में है, स्वप्न में वासना वही चक्षु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला है, किंतु सुषुप्ति में ये व्यक्ति नहीं है, चक्षुरादि के माध्यम से जिस वस्तु का जानना होता है वो व्यक्ति वहाँ नहीं होता, प्रमाता नहीं होता सुषुप्ति में। कहा आगमापाई जो है उत्पन्न विनाश वाले आगमा इत्यादि, कहा आगवा पाए जो दृष्टो, जो दृष्टा है आगवा पाई है, आता है जाता है, भावा भाव दोनों है इसमें, इस दृष्टा का आगवा पाए जो दृष्टो दृष्टि, उसके जो दृष्टि माने साक्षी, साक्षणित साक्षणित या साक्षी में जो दृष्टि है, साक्षी रूप दृष्टि हो, तो दृष्टा आदि लोग साक्षित्व, दृष्टा का लोप सुषुप्त अवस्था में लोप हो जाता है दृष्टा का, उसको भी जानते हो साक्षी हो दृष्टि साक्षित्व तस्या लोपो नहीं जाते, उस साक्षी का लोक तक, उस दृष्टि रूप साक्षी का लोक युक्ति संगत नहीं है। कहा सत्य व साक्षी नहीं तो भावा भाव प्रसिद्धतः जगतो तो ननाश सत् आत्मदृष्टे कुतश्चन, साक्षिणी सत्य व साक्षी के होने पर ही दो पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ हैं भाव और आधार, कभी होना कभी न होना, सत्य व साक्षिणी साक्षी के होने पर भी यतः जिस हेतु से साक्षी के होने पर ही भावा भाव प्रसिद्ध होता है, भाव और अभाव दोनों प्रसिद्ध होता है साक्षी के होने पर, यह अभी है इसका विद्यमान है, अभी अब विद्यमान है अभाव में, साक्षी से ही प्रसिद्ध होता है, साक्षी के बिना कोई प्रसिद्ध नहीं होता, जागृत स्वप्न में भाव है, सुषुप्ति में अभाव है वस्तुओं का प्रमाता आदि का, साक्षी के बिना ही प्रसिद्धि है भावाभाव पदार्थों का, एक सत्य व साक्षी है तो यथावत इस हेतु से साक्षी के होने पर ही भावा भाव प्रसिद्ध, भाव और अभाव दोनों सिद्ध होते हैं, जगत हो जगत के जो भाव अभाव है, जगत का होना या न होना अभाव होना दोनों साक्षी के द्वारा ही प्रसिद्ध है, अतो न नाश सार आत्मदृष्टि कुतः, आत्मरूपी जो दृष्टि है साक्षी है उसका किसी हेतु से भी नाश नहीं हो सकता, ये बात क्या ठीक है। पश्चिम उत्तम आक्षेपति, पश्चिम भगवती का सिद्धांत का नहीं, न पश्यदेव ऐसा नहीं, पश्यदेव होती उसका देखता हुआ होता है सुषुप्ति अवस्था, इसको पर आक्षेप करता है पूर्वादि, क्या कहा न पश्यदेव न अन्वत्र चक्षुराधिर असंभव करणान्यंतरेणे जात्यंतराधिर अभिक्षते, कहा था सुषुप्ति अवस्था में नहीं देखता नहीं आत्मा, क्यों चक्षुराधिर असंभव करण नहीं, चक्षुराधि ने वहाँ जागृत स्वप्न में तो एक तो वास्तविक इंद्रिया थी, व्यावहारिक इंद्रिया थी जागृत में, स्वप्न में वासना में इंद्रिया थी, किंतु वह है नहीं इंद्रिया, कैसे जानेगा वह, ये पूर्वाग्रह कहा करणानि अन्नतरेणा इंद्रियों के बिना, कोई भी इंद्रिया न हो उस काल में कैसे जानेगा, जैसे जात्यंधाधिर नवीक्षते का जैसे जन्मांत होगा वो देखता नहीं, क्यों चक्षु नहीं उसके पास, इसी बात ये सुषुप्त पुरुष के पास में चक्षु नहीं हुआ तो कैसे देखेगा वहाँ, पश्चिम भगवती कैसे होगा, ये शंका है, ठीक है। अभी कहते हैं
चक्षुरादि अभावे भी स्वापे दर्शन किम न सिया सिद्धांत की ओर से शंका है, चक्षुरादि का अभाव होने पर भी उसको चक्षुरादि नहीं है सुषुप्ति अवस्था, फिर भी वहाँ देखना क्यों नहीं हो सकता, हो जाए चक्षुरादि के अभाव में देखे कारणानि अन्नतरेणा इंद्रियों के बिना कोई देख नहीं सकता, जैसे जन्मांध व्यक्ति देख नहीं सकता सुषुप्ति में उसी के समान है संसुप्त पुरुष एक गुरुवाद का कारणानि अन्नतरेणा यह मानी सुषुप्ति अवस्था जात्यंत्र श्लोक में जात्य जन्मांध जीव होते हैं इंद्रिय न होने के कारण नहीं देखते, तो ठीक इसी प्रकार का सुषुप्त पुरुष इस प्रकार का इंद्रिय नहीं उसके पास कैसे देखेगा, ये गुरुवाद ने कहा। तथा सुषुप्त होगी जैसे जन्मांध देख नहीं सकता इंद्रिय के अभाव के कारण, वैसे सुषुप्त पुरुष भी ऐसे ही उसी प्रकार का हो रखा है इंद्रिय नहीं उसके पास, ये गुरुवाद ने कहा। द्रष्टुर आगंतुक ज्ञान से करणापेक्षा दृष्टा को जो आगंतुक ज्ञान होगा, प्रमाता को आगंतुक ज्ञान होता है, घट ज्ञान पर ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं हो, आगंतुक ज्ञान है चक्षुर आदि के घट के आदि के साथ संबंध में ज्ञान होता है, द्रष्टुर आत्मा जो द्रष्टु आत्मा है उसका आगंतुक ज्ञान से करणापेक्षा करण की अपेक्षा सिद्धांत को से कहा, मैंने प्रमाता को तो इंद्रियों की अपेक्षा है इंद्रियों के बिना जान नहीं सकता है, किंतु साक्षी नस्तु साक्षी को तो दैव ऐसा नियम नहीं है इंद्रियों के बिना जानता होता, क्यों कहा नित्य ज्ञान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है वो साक्षी, उसके लिए इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है नित्य ज्ञान स्वरूप है हमेशा उसको ज्ञान है, प्रमाता को जो ज्ञान होता है आगमापाई ज्ञान होता है मान इंद्रियों के माध्यम से होता है, किंतु साक्षी के लिए वो नित्य ज्ञान वाला है आगंतुक ज्ञान, प्रमाता का ज्ञान आगंतुक ज्ञान, जैसे चक्षु हो तो रूप का ज्ञान होगा चक्षु न हो तो नहीं हो पाएगा, किंतु साक्षी का ज्ञान नित्य ज्ञान है ज्ञान स्वरूप ही हो उसके लिए इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, सिद्धांत ने कहा नहीं तत् उत्तर साक्षी के इंद्रियों का अवश्य नहीं तत् इत्यादि नहीं तद एवं यथो द्रष्टु कारक से समीक्षण है कर्णानी विपक्षण थे दत्व कारक वीक्षण कहा, यह ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के बिना ज्ञान न हो ऐसी बात नहीं, इंद्रियों के बिना ज्ञान इसको नहीं होता कि कारक बनता हो जो प्रमाता कर्ता बनता हो ज्ञान एक दर्शन करता आदि बनता हो उसके लिए इंद्रियों की अपेक्षा है, ये तो द्रष्टु कारक से द्रष्टु जो कारक रूप द्रष्टु है कर्ता बनता हो जो दृष्टा प्रमाता उसके इक्षण में दर्शन में उसको दर्शन करने के लिए कर्णानी अपेक्षण है कारण इंद्रियों की अपेक्षा होती है इंद्रियों के बिना जान नहीं सकता वो न तो अकारक वीक्षण है जो साक्षी अकारक है कारक ने कर्ता आदि नहीं बनता अकार में उसके इच्छा में इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है वो नित्य ज्ञान वाला है, ठीक है कहते हैं किंच प्रमातु रूपी न चक्षुरादि अपेक्षा नहीं, प्रमाता को भी चक्षुरादि होने पर ही ज्ञान हो ऐसा नियम नहीं है, चक्षुरादि का अभाव स्वप्न अवस्था में चक्षुरादि नहीं होते व्यावहारिक चक्षुरादि नहीं होते वहां भी इसको ज्ञान होता है स्वप्न में, तो वह वासना वही इंद्रिया होते व्यावहारिक इंद्रिया नहीं है फिर भी ज्ञान होता है, जहाँ वासना में इंद्रिया भी नहीं है वासना संस्कार भी नहीं है सुषुप्ति में कहाँ से वहाँ पर ये माने चक्षुरादि की अपेक्षा होगी, एक आने के कहा कि जब प्रमातु रूपी जो प्रमाता है जो जागृत अवस्था में व्यवहार करता है इस आत्मा को भी न चक्षुरादि अपेक्षा नहीं है वहाँ चक्षुरादि की अपेक्षा होने विषय ज्ञान के लिए चक्षुरादि होना कोई नियम नहीं है प्रमाता, क्यों स्वप्न स्वप्न अवस्था में जब हम देखते हैं स्वप्न दृष्टियादि व्यापार यदि वह दृष्टियादि व्यापार है देखना सुनना आदि व्यापार होता है स्वप्न अवस्था में व्यापार होते कर्ण उपसंहार सुनते कर्ण का उपसंहार कहा गया श्रुति में कहा है तत्र भाग अप्येति श्रोत्रम अप्येति चक्षु अप्येति इत्यादि का उस काल में सब लीन हो जाते हैं, स्वप्न में भी इंद्रिया सब लीन हो रखी है फिर भी व्यवहार होता है इंद्रियों के बिना व्यवहार स्वप्न में हो रहा है तो सुषुप्ति संस्कार भी नहीं है वासना भी नहीं क्यों ना होगा व्यवहार, ये कहना है स्वप्न भी इत्यादि कहा स्वप्ने भी चक्षुरादि नाम अपीति श्रुते श्रुतो चक्षुरादि ने होगा अभाव सुनाई पड़ता है स्वप्न अवस्था में स्थिति में कुतः सुसुप्त हो तहने फिर सुश्रुत अवस्था में इंद्रिया कहाँ से हो पाएंगे यत्र तद वासना भी ना जहाँ वासना भी नहीं संस्कार भी नहीं जहाँ कैसे वहाँ इंद्रिया होगी, तो साक्षी के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं ये कहा, ठीक है हम कहते हैं असुप्त सुप्ता अभी चाह कशी ही ऐसा है स्वयं सोता नहीं हुआ आत्मा और जो स्वयं हुए हैं उनको प्रकाश करता रहता है देखता रहता है
असुप्त सुप्राण में कांसर किसी उस अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में वो सोता नहीं है, बाकी सब को प्रकाश करता है, सोए हुए ये सब सोए हुए जानता है, आत्मा ने ऐसा कहा है। एक और सुषुप्त साक्षण चक्षुरादि अपेक्षा अयोगे अविना सूचना सुषुप्त पुरुष का जो सुषुप्त अवस्था की साक्षी है उसको चक्षुरादि की अपेक्षा का न होने में अपी के द्वारा सूचित होता है, कई बार अपी लगाया है स्वप्न में वो आवश्यकता नहीं करेगा अपी के द्वारा अयोगे अबिना सूचितम कैवृत ग्राम अभी अभी शब्द भी है वहाँ स्वप्न में भी आवश्यकता नहीं कहा उसके द्वारा कैवृत ग्राम जब स्वप्न में भी इंद्रियों के बिना जानता है तो सुषुप्त में क्या कहना वासना भी नहीं है साक्षी का कुतः एक कहा कुतः सुषुप्तम तानिशो तो वो इंद्रिया सुषुप्त में कैसे हो सके ये तत्त वासना बिना जो वासना संस्कार भी नहीं था कहा हो एक कहा समय तो हो गया नहीं रखते थे क्या क्या ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। कल अवकाश हो रहा है।